तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं वो जो है वो कब तक देखने को मिल सकती है और किन किन जिलों के अंदर कब कब बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आगे आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इन जिलों के अंदर बात करें तो हल्की फुल्की बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की फुल्की बारिश आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर यानी 5 तारीख तक आपको मुख्य रूप से 5 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद में यहाँ पर जो मौसम है वो शुष्क हो जाने का अनुमान है। लगभग जो है वो 8 तारीख के आसपास एक और नया जो पश्चिमी विक्षोभ है वो आने की उम्मीद है और उस दौरान हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के अंदर आपको देखने को मिले और इसके बाद में लगातार जो है वो लगभग जो है वो 14 तारीख तक या 15 तारीख तक उत्तरी राजस्थान के अंदर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के अंदर एक नया जो सिस्टम है वो बनने की उम्मीद है जो कि राजस्थान के अंदर भी अपना जो प्रभाव है वो लगभग जो है वो 11-12 तारीख के आसपास दिखा सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर लगभग जो है वो 8-9-10 तारीख तक रहने की उम्मीद है। उसके बाद में एक दिन के गैप के अंदर फिर से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उत्तरी राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट उत्तरी राजस्थान से संबंधित निकल करके सामने आ रही है। मध्यवर्ती पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक इन जिलों के अंदर और साथ ही साथ नागौर और अजमेर ज़िले की भी अगर अपने बात कर लें तो इन ज़िलों के अंदर भी लगभग इसी तरह से बात करें तो 8-9-10 तारीख के आसपास पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जबकि 12 तारीख से लेकर के और लगभग जो वो 13-14-15 तारीख तक जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर जो सिस्टम बनने की उम्मीद है उसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये यहाँ पर जो अपडेट है वो पूर्वी राजस्थान से संबंधित निकल करके सामने आ रही है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर अगर बात कर ली जाए तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर आपको जो है वो देखने को मिल सकता है लगभग 8-9 तारीख के आसपास, यानी यहाँ पर भी जो है वो बारिश की गतिविधियाँ 8-9-10 तारीख को होने की संभावना है। और उसके बाद में बात करें तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी जो है वो 12-13-14 तारीख को आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है वो जैसलमेर, जोधपुर के अंदर लगभग मौसम के अभी शुष्क बने रहने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ का भी असर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है वो देखने को न मिले। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर आपको जैसलमेर वगैरह के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अभी फ़िलहाल जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो बंगाल की खाड़ी के अंदर सिस्टम बनने जा रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है वो हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से जोधपुर जिले के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में जालौर, सिरोही, पाली इन जिलों के अंदर भी अगर बात करें तो इन जिलों के अंदर उस सिस्टम का भी असर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो अभी फिलहाल अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही है उसकी वजह से जालौर, सिरोही साथ ही साथ बात कर ली जाए तो यहाँ पर राजसमंद जिले के अंदर इन जिलों के अंदर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ या बौछारें मात्र आपको जो है वो आगे आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों तक देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो ठीक ठाक बना रह सकता है। वहीं बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले के अंदर इन जिलों के अंदर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आगे आने वाले लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि अरब सागर से आने वाली नमी की हवाओं की वजह से देखने को मिल सकती है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ जो कि 8 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की जो संभावना है वो नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के अंदर जो बनने वाला सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पर जो है वो 12 से लेकर के 15 तारीख के बीच में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिल सकती है। लेकिन उसका ट्रैक क्या रहेगा ये अभी जो है वो पूरी तरह से निश्चित जो है वो नहीं है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर नागौर ज़िले तक लगभग जो है वो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी राजस्थान सहित, उत्तरी राजस्थान सहित, दक्षिणी राजस्थान सहित इस सिस्टम की वजह से आपको जो है वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी बात करें तो इस दौरान लगभग जो है वो 12 से लेकर के 15 तारीख तक जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इन जिलों के अंदर जो है वो हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां आपको जो देखने को मिले, लेकिन इसके बारे में अभी जो है वो सिस्टम के जो दिशा है उसको जो है वो देखना पड़ेगा, उसके आधार पर ही जो है वो ये कन्फर्म हो पाएगा कि किस तरह से जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता है, किन जिलों को जो है वो राजस्थान के अंदर ये प्रभावित करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।